पतली कमरिया मोरी हाय हाय। और गाइस आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा मजा लिया होगा और लिया ही है आप लोगों के प्यार से, मुझे पता चला है। और जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा हंसा होगा, तो आज का टॉपिक कुछ ऐसे होने वाले, मैं आपकी आंखों से आंसू निकलवा दूंगा, आज सभी लोगों को रोना पड़ेगा। सो गाइस आज मैं आपको बुलाने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टॉप 10 इमोशनल रील्स। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूं टॉप 10 इमोशनल रील्स, तो बने रहे मेरी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले हमारी रील आती है इमोशनल में, आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कैसी वो रील है, आपको स्टोरी से क्या पता चलता है। और इसके पहले आपको मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, उस पर कौन पड़ो चाहे जैसे सब्सक्राइब करो, मैं कुछ नहीं जानता, सब्सक्राइब होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी रील। ये वीडियो देख करके तो सबके आंखों में थोड़े थोड़े से आंसू जरूर आए होंगे। तो भाई दिल छोटा मत कर भाई, थोड़ी सी मेहनत कर। मेहनत करने से ना एक एक चीज हमारे हाथ में होती है। तू जो कर रहा है वो काम छोटा नहीं है। और सभी लोगों से बोलूंगा, कोई भी काम कर रहो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक ना एक दिन तुम लोगों को उठना है। अगर तुम आज तुम चल रहे हो, चलते चलते गिर जाओगे और गिरने के डर से चलोगे नहीं, तो कभी दौड़ नहीं पाओगे। चलो दौड़ो, तब आगे अपनी जो मंजिल है उसको पार कर पाओगे। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, सुबह उठो जब तो जागो, उठ के भागो और रुको मत जब तक हमारी मंजिल हमें मिल नहीं जा रही है। मैंने थोड़ा तरीका अलग से बता दिया, लेकिन कहा वही था। तो भाई बिना किसी देरी के अगली वीडियो फिर से पहुंचते हैं। ये हमारे आप लोगों को ये वाली रील कैसी लगी, आप सभी लोगों को कमेंट्स में जरूर बताना है। जब भी आप मतलब ऐसे काम करेंगे ना, अंदर से एक ऐसी खुशी मिलती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो लोग कर रहे हैं वीडियो के लिए कर रहे हैं, मान लिया व्यूज के लिए कर रहे हैं, मान लिया। आप तो नहीं कर रहे ना, आपके पास अगर आप सक्सेस हैं, आपके पास वो चीज़ है, आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करते रहें। और भगवान पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अगली वीडियो पहुंचते सीधे हम साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं मंजिल। तो भाई ये जब आप लोगों ने रील देखी होगी ना, तो बड़े बड़े लोग सोच छोटे लोगों को सबको अच्छी लगी होगी। लेकिन मैं बच्चों से बोलना चाहूँ, जो आजकल अभी जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ रहे हैं, उनके लिए रील ये बहुत अच्छी है और इस रील से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, तो आपको अगर सक्सेस होना है, पढ़ाई में सक्सेस होना है, तो मैं आपको एक छोटा सा मोटिव देना चाहता हूँ, अपना जो मोटिव है वो बताना चाहता हूँ। अगर आप सक्सेस होना ही चाहते हैं पढ़ाई में, तो आप एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को पबजी पसंद होगा, फ्री फायर पसंद होगा, कोई ना कोई गेम आपको पसंद नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों को गेम पसंद है, तो आपको मारना आना टारगेट करना तो पसंद ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं आपको एक टारगेट दूंगा, मैं आपको वेपन्स दूंगा, मैं आपको एनिमी भी देता हूँ मारने के लिए। क्या चीज़ है, आपके पास किताब है, वो उस किताब को आपको समझना है, आपका ये जंग का मैदान बन गया। आपके पास जो कलम है, जो आपका पेन है, वो आपकी हो गई तलवार, आपके एनिमी, आपके सामने आने वाले क्वेश्चन सारे आपके एनिमी हैं। तो भाई कुछ नहीं करना है, उतर जाओ जंग के मैदान में, अपनी तलवार लो, तलवार से सारे एनिमी को काटो, एक भी आपका एनिमी बचना चाहिए, सभी को टारगेट पर रखो, उसके बाद देखते आप सक्सेस होते नहीं होते हैं। तो अब एनिमी टारगेट तलवार इसका मतलब ये नहीं है घर पे जाके लड़ने लगो। चलो भाई इसके बाद अगली वीडियो फिर चलते हैं। उसके पहले जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार जा करके हम लोग लाइक करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही हमारी वीडियो चाहिए है, हम लोग फनी भी देते हैं और इंटरटेनमेंट भी देते हैं, हर तरीके से देते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं हमारी चैनल कैसी है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, किस टाइप की वीडियो और चाहिए आप लोगों को बताते जाएं। और इसके बाद हम अगली वीडियो फिर से बढ़ते हैं। ये रही वीडियो। झाड़ू पोछा करते हैं, फिर क्या करते हैं, तब खाना बनाते हैं। कितने साल की? 10 साल की। घर में कौन कौन है? मामा, बाबा,
माँ और पापा, मामा पापा, दादा दादी, दादा दादी है, मम्मी पापा मर गए। तो गाइस आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है और वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरी जो थी उनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और ये कोई मतलब कोई रील्स नहीं है, आप देख पाएंगे एकदम ये रियल है। वीडियो जो है किसी पत्रकार ने ली है और आप देख पा रहे होंगे उस लड़की जो उसने लड़की ने बोला घर पे वो काम करती है और दादा दादी के साथ रहती है और लास्ट में जो उसने वर्ड बोले आप लोग समझ सकते हैं, जिसकी ज़िंदगी में माँ है थोड़ा सा कदर कर लो, और नहीं है जिसकी ज़िंदगी में नहीं है ना उससे जाकर के पूछो क्या होती है माँ। तो अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो भाई साहब अगर मैं होता तो इस लड़की का क्या होता आप लोग समझ सकते हो गए। तो मेरी ये जो स्टिक देख रहे हैं ना इसी से उसका खोपड़ा फोड़ देता। तो भैया अभी इसके पहले जो रील आई थी आप लोगों ने देखी किस टाइप की वो रील थी, और ये वही लोग हैं जो कदर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पर कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है, किसी और वीडियो पर इस पर आप कमेंट करके बताना है कि लड़की है कैसी, आखिर क्या इसका मतलब। कोई छोड़ा या इसके बारे में बोलना ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसके बारे में बोलने का। और आप लोग जरूर कमेंट में बोलना है, जितनी अच्छे अच्छे इसके वर्ड बोल सकते हो अच्छे अच्छे वर्ड बोलना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो भाई किसी देरी की अब कोई देरी नहीं कर रहे हैं, अगली वीडियो फिर से पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई जो भी यहाँ तक आया हुआ है ना इस वीडियो पे कमेंट आप लोग जरूर करना है, और वीडियो को लाइक करो भाई, फिर से बोल रहा हूँ लाइक करो और सब्सक्राइब करो पहले फिर आगे बढ़ेंगे। अरे मैं नहीं बढ़ने वाला, पहले सब्सक्राइब करो फिर अगली वीडियो, चलो कर दिया। तो थैंक यू मैनेज भाई, भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दे। तो अगली वीडियो में चलते हैं, ये रही वीडियो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। तो गाइस इंसान है नाम की जो चीज है जो इंसान के अंदर तो बची नहीं है, और जो अगर बची है तो वो है एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। मेरे घर पे भी एक प्यारा सा एक डॉग है जिसका नाम है टफी, और बहुत अच्छा है वो। और जो वफादारी मतलब जो आप इंसान को ना कितना भी अपने पास रख लो, कितना भी अपना मान लो, वो एक ना एक दिन रंग दिखाता है। आज का इंसान ऐसा हो चुका है, लेकिन जानवर एक ऐसी चीज़ें कभी अपना रंग नहीं दिखाएगा। जो पालतू हो या बाहर का हो, मतलब आपसे आप जानवर मांगते क्या है, बाहर के कुत्ते आपसे मांगते क्या। अभी तक आज के एक ट्रेंड पे एक रील चली थी जो उस डॉग की रील्स वायरल हुई थी, मैं आपको एक वो रील दिखाना चाहूंगा, तो आप रील्स को देखें और बताएं उसके बारे में आप बोलें क्या है। ओ मुझे कुत्ता कह कर जो तूने मुझे मार के घर से भगाया था, नादान मुझे क्या मालूम मैं बस रोटी मांगने आया था। मुझे कुत्ता कह कर जो तूने मुझे मार के घर से भगाया था, नादान मुझे क्या मालूम मैं बस रोटी मांगने आया था। हाँ एक बुरे इंसान से मैला होता ना संसार, हम बेजुबान फिर भी है इंसान। तो इस पर कोई कमेंट नहीं, अब अगली वीडियो पहुंचते हैं। और ये जो मेरी वीडियो है वो लास्ट वीडियो है और दिल को छूने वाली, हार्ट टचिंग, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये वीडियो। आप लोगों को इस पर कमेंट करके जो बताना है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। तो देखते हैं वाली वीडियो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं निर्मल
आप लोगों ने देखा ना भाई, वो जो बच्चा है ना, जो स्टार्टिंग की भलाई का जो जमाना है ना, वो बच्चे ही करते हैं। और एक बार कोई स्टार्टअप कर बस दे तो पीछे से ना लाइन चली जाती है करने के लिए, वैसे तो किसी को याद नहीं रहता है, तब आती है जब कोई स्टार्ट करता है। आप लोगों को अब मुझे कमेंट बताना है कि किस किस की आंखों में आंसू आए हैं, और बताना है, और वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी है तो प्लीज़ कमेंट से बताएं वीडियो कैसी बनी है, और आगे जो आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट मैंने सोच रखा है कि कोई बॉलीवुड टॉलीवुड या उर्फ जावेद पे ट्रोल करने वाले हैं, रोस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, और जो भी कमेंट करता है उसका मैं पिन भी कर दूंगा। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेरे सब्सक्राइब के बटन पे चढ़ जाओ, चढ़ चुके होंगे, बेल आइकन को भी दबा दो, बेल आइकन दबाने के बाद जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़ दो अपने भाई के लिए। तो भाई आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल किसी अलग रोस्ट में फिर से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।